वो जिस तरह से सीन एक्सप्लेन भी करते थे उसमें ऐसे लगता है कोई पोएट्री है. तो आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड एंड दिस इज अ क्वर्की साइड क्योंकि कारवां इज नॉट दिस काइंड ऑफ अ फिल्म. एंड इन्होंने मुझे इसकी कहानी जब हम शूट कर रहे थे तब बताई थी कि मैं ऐसी एक मूवी कर रहा हूँ. एंड आई एम वेरी एक्साइटेड टू सी इट टुनाइट. ऑल्सो मैंने हाल ही में सुमित के साथ काम किया था ऑन माई मिंत्रा कैंपेन. बहुत मज़ा आया. आई थिंक ही इज़ अ वेरी क्वर्की एक्टर. सो आई थिंक इज गोना बी द हाईलाइट ऑफ द फिल्म. आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू सीइंग सुमित ऑन स्क्रीन. Would you like to hijack someone, something? I want to hijack people, whoever. I'm in this phase, in the Sex and the City phase with my girls, जहाँ हम लोग बात कर रहे थे कि Sex and the City में एक dialogue है जहाँ पे वो बोलती है there should be a hospital with white beds and all the men who broken your heart should be put there and made to think as to what they've done. जैसे time out होता है ना nursery में. So I think I'd like to do something like that for my girlfriends. Unfortunately, no, I'm opposite Dulkar in the film. So I've only been with Dulkar through all my scenes. बहुत गर्मी पड़ रही है इस बार. पसीना. Like दिन में दो बार मेकअप करना पड़ रहा है. मेल्ट हो रहा है पूरा. यमला पगला दीवाना. I have just finished shooting the film. 2 days ago was my last day, which was with Dharam sir. Very emotional day. मुझे अजीब लग रहा था क्योंकि मैंने अगस्त लास्ट ईयर शूट शुरू करी थी. ऑलमोस्ट साल होने को आया है. लोगों के साथ इतनी आदत पड़ चुकी है. एंड आई हैव थॉरली एंजॉयड शूटिंग विद देम. आई मीन देयर इज नथिंग मोर टू से. बहुत स्टूपिड लगेगा अगर मैं अपने एक्सपीरियंस के बारे में बोलूँगी क्योंकि आई थिंक इट गोज़ विदाउट सेइंग. ओ वी बीन यू नो द थिंग इज वी हैव शॉट इन वेरी डिफरेंट लोकेशंस फॉर दिस फिल्म. वी हैव शॉट इन बॉम्बे. वी हैव शॉट इन अमृतसर. वी शॉट इन पटियाला. वी शॉट इन हैदराबाद. Another set was put up here for the Gujarat thing. It's a very very extensive schedule. So बहुत लंबी चली है शूट क्योंकि locations बहुत ज़्यादा थे. Plus to get everyone together. Plus Bobby जी रेस के साथ बिजी थे. अब वो फिर रेस के साथ बिजी हैं. तो वंस रेस releases we'll know what we're doing with our film, like when we're releasing it. But I'm so happy for Bobby sir. Like it's so great to just see him on screen. कल ही मैंने trailer देखा and I think he was fantastic and he looks really really good. Yes, मैंने गाना देखा which features a lot of the Bollywood celebrities and it was so exciting to just watch them. And but for me, whatever said and done, the highlight of that song is still Dharam sir. कौन कौन है उस गाने में बताइए ना. उसमें है रेखा मैम, सोनाक्षी, शत्रुघ्न सर, सलमान सर और धर्म सर. थैंक यू सो मच. Some different kind of film, right?
ठीक है, एक अलग तरह की फिल्म लग रही है ना, और बहुत फनी है. अभी तक तो मैंने सिर्फ ट्रेलर देखा है, बट आई एम डैम श्योर कि काफ़ी फनी होगी और काफ़ी मज़ा आने वाला है. आप पूछ रही थी ना मैडम, क्या परफेक्ट लुक फॉर द फिल्म निकल जो आपने ड्रेस पहने ये? यू हैव चेंज योर लाइक टोटली स्टाइल डिफरेंट. ऐसा है क्या? जी जी, मैं ऐसी ही थी, मैं जाती का हूँ, आपने मुझे हार्डली कहीं देखा है. कहीं जगह देखा, लेकिन लाइक वी स्पॉट योर ड्रेस कोड एंड एवरीथिंग, पेपराइजी वगैरह करना पड़ता है ना. हाँ जी, बट आई हार्डली गो एनीवेयर. झूठ बोल रहे हैं ये. एनीथिंग पर्टिकुलर यू आर लुकिंग फॉरवर्ड फॉर द फिल्म? नो, आई एम वेरी एक्साइटेड बिकॉज बहुत टाइम बाद एक तो मैं फिल्म देख रही हूँ और मैंने काफ़ी टाइम से फिल्म नहीं देखी है, तो आई थिंक ये बहुत ही गुड स्टार्ट है, एक अच्छी फनी लाइट फिल्म टू वॉच आफ्टर अ लॉन्ग टाइम, तो आई एम वेरी एक्साइटेड. एंड वी आर लुकिंग फॉरवर्ड फॉर योर टू फिल्म्स प्रोबेबली जो आने वाली हैं. या तीन तीन? हाँ, मैं तीसरी की शूट कर रही हूँ अभी, दो मैं शूट कर चुकी हूँ. एक आयुष्मान खुराना के साथ बधाई हो है और एक है नवाजुद्दीन सिद्दीकी के साथ फोटोग्राफ. तो और मैं अभी शूट कर रही हूँ राधिका के साथ छुरियाँ, डायरेक्टेड बाय विशाल जी. हाउ हैज बीन द एक्सपीरियंस ऑफ बोथ ऑफ देम? नवाज तो कान में भी गए, लाइक ही इज अ डिफरेंट लुक. आई नो मनीष मल्होत्रा ने डिजाइन किया उनके लिए. आई नो, आई हैव नॉट सीन द पिक्चर्स, बट आई सॉ मंटो का ट्रेलर and I immediately texted him because I saw the trailer and I had goosebumps. I'm really excited and I'm hoping wo jaldi se release ho India mein bhi aur hum dekh sake, kyunki Manto mere favorite writer hai, mujhe Manto padhna bahut pasand hai, to mujhe lagta hai ki unko dekhna as Manto would be very very exciting. And about your two films, uska kya update hai, matlab kab tak hum log expect karenge? Ye to mujhe bhi nahi pata, but hopefully soon. और मैं तीन दोनों के लिए काफ़ी एक्साइटेड हूँ. बधाई हो बहुत ही फन, बहुत ही लाइट फिल्म है एंड इट्स विद आयुष्मान खुराना जो बहुत ही अच्छे एक्टर हैं, डायरेक्टेड बाय अमित शर्मा, तो लोगों को आई एम श्योर वो बहुत पसंद आने वाली है. और फोटोग्राफ भी बहुत ही अच्छी और बहुत ही सुंदर स्टोरी है, डायरेक्टेड बाय रितेश बत्रा जिन्होंने लंच बॉक्स डायरेक्ट करी थी और भी बहुत अच्छे डायरेक्टर हैं. तो मैं बहुत एक्साइटेड हूँ और होपफुली कभी मेरी भी ऐसी स्क्रीनिंग हो रही होगी और आप लोग आओगे. एक चीज़ और, वी हैव टू आस्क यू बिकॉज वी हैव मेट यू, वी रिसेंटली गॉट थ्रू ज़ायरा वसीम्स पोस्ट ऑन द फेसबुक, या वेयर शी मेंशन्ड अबाउट हर ऑडियल एंड एवरीथिंग. या क्या आपको कैसा लगता है ये उनका ऐसा लिखना? और आई थिंक आई हैव नो आइडिया, आई हैव नॉट बीन इन टच विद हर फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम एंड आई वॉज टू बिजी, बट आई वुड डेफिनेटली कॉल हर अप एंड दिस इज अ वेरी पर्सनल थिंग. And it's a very sad situation. I have close ones who have been through the same thing. I know it's very tough and I would just hope and wish ki wo is cheez ko yani overcome kar sake ya us cheez ko. And we are all with her. I think we are a huge family and she has all the support and love. एंड जब तक मैं उससे बात नहीं कर पाऊँगी वो पर्सनल इशू पर, मैं उस पर कोई कॉमेंट नहीं कर सकती. फिल्म के दौरान कभी ऐसा महसूस नहीं क्योंकि वो बोली थी चार पाँच साल से ऐसी चीज़ थी, कभी ऐसा हुआ नहीं और पता नहीं. थैंक यू सो मच. थैंक यू. Seen the trailer and I was waiting when the film is going to come out and finally kal aa rahi hai 18th ko and I'm very excited kyunki bahut sare dost hain is film mein. Akash is directing, Sumit Vyas is there, Kumud Mishra ji is there and I'm really excited to watch this film. Comedy genre, I mean I've been watching their plays and comedy genre mein unke plays bahut mind blowing hote hain and I'm very excited to see that transmit in cinema. Thank you so much.
I would love to. In the films coming up, thoda bahut comedy space. Thank you. Sorry, that's Rahul Lacunia, gem of a person. Comedy, yes, I would love to do. And आगे आने वाली फिल्मों में कुछ कुछ हल्का हल्का कॉमेडी का थोड़ा रस है, तो आई एम वेटिंग कि वो कैसा दिखता है. सी लव पर स्क्वायर फुट जो एक फिल्म थी इससे पहले, उसमें भी कॉमेडी था, उसमें रोमांस था. इट वॉज अ रोम कॉम विच रिलीज ऑन नेटफ्लिक्स. इसके अलावा संजू में आपको देखने को मिलेगा हल्का सा कॉमिक अवतार इन अ टिपिकल राजकुमार हिरानी वे, एंड इवन इन मनमर्जिया. नहीं ऐसा कुछ, एक्चुअली आप बर्डन सोच के निकलते नहीं हो. हर कहानी की एक अपनी रिक्वायरमेंट होती है, और मेरा पहली दफ़ा था, मैंने तापसी और अभिषेक के साथ काम किया. फेल्ट वंडरफुल. मतलब अभिषेक के साथ तो मतलब ही सच अ प्योर हार्टेड पर्सन, एंड इवन तापसी शी सो ट्रांसपेरेंट एज अ ह्यूमन बींग. और प्लस हम पंजाब में शूट कर रहे थे, तो इतना मज़ा आया कि मतलब इट वॉज लाइक अ हाउस ऑन फायर. बहुत मज़ा आया. थैंक यू सर. हाँ जी, जितना लोग ले जाएं, जितना लोग प्यार दें, उतना हमें तो कम ही लगेगा. बट हम बहुत वी फीलिंग रियली ग्रेटफुल एज अ टीम. जितना प्यार दिया, हम सच में इतना एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे कि इतना यूनानिमसली इतना बम्पर टाइप का रिस्पांस आएगा. बट जो प्यार मिल रहा है वीकडेज पे भी, जो प्यार मिल रहा है, दैट्स रियली सरप्राइजिंग एंड वी आर रियली ग्रेटफुल. आपके फादर का क्या अनुभव है? मतलब ही इज़ वेरी हैप्पी फॉर द टीम. आई रिमेंबर जब मॉम डैड ने फिल्म ही देखी थी तो वो बहुत खुश थे. उन्होंने तभी कहा था कि ये फिल्म लोगों को भी पसंद आएगी, बिकॉज मतलब वो बहुत ही खुश थे कि हमें बहुत पसंद आई है. एंड ही इज़ अ प्राउड फादर. वो रोज़ उनका फ़ोन आता रहता है, उनको लगता है अच्छा आज क्या हुआ, आज क्या बात हुई, आज क्या हो रहा है फिल्म का. सो ही कीप्स कॉलिंग, ही शूटिंग इन देहरादून फॉर स्टूडेंट ऑफ द ईयर 2. बट उनका रोज़ फ़ोन आता रहता है कि कब क्या हो रहा है बताओ. ये कब हुआ? ये तो मेरे लिए भी न्यूज़ था कि मैंने मेघना की एक और फिल्म साइन कर ली है. नहीं, अभी तक ऐसे कोई इंडिकेशन ना मुझे मिला है ना कोई है. आई थिंक अभी वो राजी फिनिश करके शी इज़ गोना टेक अ ब्रेक फॉर अ फ्यू डेज एंड देन गेट ऑन टू द नेक्स्ट प्रोजेक्ट. बट आई वुड ऑलवेज, इट बी माई ड्रीम टू वर्क विद हर अगेन. पद्मावत में और सी देखिए, बहुत फिल्म जब बनती है तो बहुत सारे रोल्स आपको बुलाया जाता है एंड परमिटेशन कॉम्बिनेशन होते हैं. It'll always be my dream to work with Sanjay Leela Bhansali, and मेरे लिए उनका मेरे बारे में सोचना इज़ ओनली अ ह्यूज डील फॉर मी. चलो ठीक है, मना कर रहे ज़्यादा. ओके, थैंक यू भाई, थैंक यू सो मच. बोल बेटा, क्या बोलूँ. गुड इवनिंग. गुड इवनिंग. वेरी कैजुअल लुक. आई हैव कम स्ट्रेट फ्रॉम वर्क. सो आई एम, दिस इज, मैं ऐसे काम करता हूँ.
हाँ वो अभी बहुत मतलब कम टाइम रह गया है, पिक्चर तो अभी दो हफ्ते बाकी हैं, तो ऐसे पोस्ट प्रोडक्शन के मतलब सीधा स्टूडियो से यहाँ आ रहा हूँ हाईजैक के लिए, फिर मैं वापस जाऊँगा स्टूडियो पे, तो इसलिए एज कम्फर्टेबल एज पॉसिबल। और अब तो कपूर परिवार के दोनों बच्चों का एक साथ फिल्म रिलीज हो रही है जी। हाँ तो सेलिब्रेशन है ना, कपूर परिवार के दोनों साथ में आएंगे तो एक सेलिब्रेशन होगा, सब लोग जाएंगे, लड़की लोग जाएंगे वीरे देखने के लिए, लड़के लोग आएंगे भावे जोशी देखने के लिए, तो अच्छी बात है। I think the clash has happened for reasons out of our control in a sense. I think the decision was taken at our level that we wanted to, you know, we felt that the first is a better date and we sorted it out and here we are. Did ever the thought come in that the fight after the date has been better? No, because it's not. So. It's not the like the Avengers at all. It's actually a very, very unique, original Indian take on a superhero, actually a vigilante in that sense. So that's all it is. So you should come and see it and see how it's different. Be proud. How much is left after the film? Just post-production is left. Mixing and background music and all that sort of stuff. How do you feel Harsh Vardhan has done in the film? He's done very well. He's fab. Have you seen any of the other couple of members of Indian? Arjun has just done a song called Chaman Parash. So apart, yeah. Apart from Apart from in the film, sorry, nobody. Thank you so much. We Thank you. Thanks. Have you all taken me, putting my purse also over there? Nice, thanks, yeah, guys. Not at all. Why would I? I was saying hello to all my friends. See, this film releases tomorrow. What are your thoughts and you are looking forward to? I'm really looking forward to this film. Everybody involved in this film are my friends and I've worked with them. Akash, Sumit, Priyanshu, Aadhar, Sneha, everybody in this film. So I'm super duper excited. And your film's posters are also nearby there. That's later, no? That's another Friday. Today, let's talk about Hijack. But it's clashing with Marvel. What are your thoughts on that? Is it a clash with something? No, I'm really excited. I think there are two great films that are going to come about. Good? Yeah. Okay. I'm really excited. I think there are two great films. I'm really looking forward to both. And, yeah. Also, working with all the
let's talk about Hijack na yaar, ye to hota rahega. Let's talk about it. It was fantastic. I will tell you, working with Akash, because he's directed me and he's produced plays that I've directed myself. So I'm really, really, really looking forward to Hijack. And Sumit has also directed me and we work together. So, yeah. Now can I go and watch the film? Yes, thank you. Bye. Thanks, guys. Don't take me now. Take my purse. Buddy, what's up? बिल्कुल 12 घंटे 12 का आंकड़ा बड़ा तेज है एंड वी आर ऑल वेरी एक्साइटेड क्योंकि साल भर का इंतजार रहा एंड इट्स बीन ऑलमोस्ट अ ईयर सिंस वी शॉट द फिल्म एंड वी ऑल जस्ट पार्टीड रियली हार्ड विद हाईजैक एंड दैट्स ऑल आई वांट टू से अबाउट हाईजैक इट्स अ पार्टी फिल्म पीपल शुड जस्ट कम इन एंड एंजॉय देमसेल्व्स मुश्किलों का नाम ही तो जिंदगी है और लाइफ को हाईजैक करने के लिए हम लोग यहाँ पर बस पहुँच गए बट ऑल सड एंड डन वी आर वेरी हैप्पी दैट द फिल्म इज रिलीजिंग एंड इट्स रिलीजिंग अमंग्स फ्रेंड्स एंड फैमिली क्योंकि यहाँ पे सब आज प्रीमियर पे सारे फ्रेंड्स सारे दोस्तों गए हैं जिन्होंने हमारे काम को सपोर्ट किया सो लेट्स होप दैट जनता ऑल्सो डज द सेम सुमित व्यास मेरे बड़े अच्छे मित्र हैं और उनको मैं कई सालों से जानता हूं हम लोग रंगमंच के साथी हैं रंगमंच के दोस्त हैं एंड इस फिल्म में काम करके उतना ही मज़ा आया जितना सुमित कहते हैं ना हमेशा बाबा सब चिल रहने का सो ही इज़ बाबा फॉर अस एंड वी ऑल हैड अ रियली गुड टाइम एंड सुमित इस फिल्म को बेहतरीन तरीके से लीड कर रहे हैं मेरे ख्याल से हाईजैक के जो म्यूज़िक के जो लवर्स हैं जिन्होंने इस फिल्म के म्यूज़िक को ऑलरेडी इतना पसंद किया है वो डेफिनेटली इस फिल्म में भी वही चीज़ चाह रहे होंगे सो आई एम डेफिनेटली लुकिंग फॉरवर्ड टू ऑल द स्टोनर्स आउट देयर इट्स फॉर ऑल द स्टोनर्स ऑल द पीपल हु रियली लाइक अ हाई लाइफ लेट्स होप दैट दे एंजॉय द फिल्म कूल थैंक यू वेरी मच हाईजैक I'm very excited to watch the movie. I'm dressed for the occasion, I think. Yeah, I'm very excited for Sumit and everyone that has been a part of the film. So, yeah. Given a choice, whom would you like to hijack? Whom would I like to hijack? Sumit, yes, for sure. And do you think the films are different topics? Gee, of course. Of course, I feel that people these days are very receptive to newer content. Everybody is really happy and excited to watch things that that are not typically put out there. And everything that has a quirk is being accepted. That is very exciting because it's kind of broadening the horizons of filmmakers as well as people who are watching it, the viewers. So, yeah, that's amazing. We'll see. We are in the middle of things. Soon, something. You can give some peek. I can't. I'm so sorry, but I can't. I've been asked to. Yeah. Please, मुझे माफ कर दीजिए. अभी के लिए. But soon, something. You will be seeing something exciting. So yeah. Thank you so much. Thank you. Thank you. Thanks, guys. Asking mam kya kahenge hijack film
I'm here to support all my friends. I have a lot of friends in the movie. Akash Khurana, who's the director, is a very dear old friend. He's directed some plays I have worked in and produced as well. I'm very, very happy to be here to support the film today and everybody acting in it, behind the scenes. And I can't wait to watch it. I wish the whole team best of luck. Yeah. So am I. Yeah, no, I can't really talk about anything right now. I haven't signed anything officially right now. There are things that one is always reading. But as and when the time is right and you know when I have some confirmed news to give, I'll surely. But web series maybe you have to be Dhyan Dheri. I've done a web series. The test case was something I took up and it's on, it's up. So, yeah. We'll see. I don't know. There's no conversation about that officially right now. But I think if the writing is in place and if you know it has to have come together, it will. But you have to come a step ahead. Yeah, that's what. We are also reading your post and very enlightening and full of wisdom and creating ripples on the web. I think I'm very low-key actually on Instagram and on Twitter as well. I don't really have too much to say. When I really feel something about something, then I talk about it. But that wisdom is not really anything that thought through or anything. It's just what I think. But it is very impactful and काफी लोगों में impact create करते हैं और शायद कहीं ना कहीं सोचने पे भी मजबूर कर देते हैं लोगों को जो कहीं आप ऐसा कुछ intentional नहीं है. You know, I think I'm a common citizen of the country. When I have something to, you know, say, when I feel something about, you know, an issue particularly, then I talk about it. But there's nothing. Thank you. सर क्या कहेंगे इस फिल्म के बारे में, कैसा रहा आपका? बहुत अच्छा रहा. जैसा आप पोस्टर में देख रहे हैं बिल्कुल ऐसा ही रहा अनुभव. बहुत मज़े किए फिल्म बनाते समय. मज़ेदार फिल्म है और आई होप कि देखने में भी उतना ही मज़ा है सबको. आप लोग देखिए, बताइए कैसा लगता है. उम्मीदें क्या हैं लोगों से आपकी और किस हिसाब से आपने तैयारी की थी इस फिल्म के दौरान? उम्मीदें तो ये हैं कि लोग आए, देखें और लोग मज़े करें. पिक्चर बनाई थी एंटरटेनमेंट के लिए. कोई ऐसा कोई मैसेज या किसी को कुछ समझाना नहीं है हमको. हम चाहते थे कि लोग आएँ और हंस के जाएँ, तो यही उम्मीद है फिल्म से. और तैयारी भी इसकी ऐसी की थी कि बहुत मज़े किए हमने. फिल्म की रीडिंग जब की, जब आकाश ने लिखी, जब उसके रिहर्सल्स किए, तो कोशिश ये थी कि सीरियसली बनाएँ और मज़ेदार बनाएँ. आपने बहुत अहम बात कही, सीरियसली बनाएँ पर मज़ेदार बनाएँ. फिल्म के दौरान कोई ऐसा वाकया हुआ है जो शेयर करना चाहिए, जो कॉमेडी था आपके लिए या कुछ सीरियस? रोज़ ही ऐसे वाक्य होते थे जो कॉमेडी थे. आकाश खुराना जो हमारे डायरेक्टर हैं वो बड़े मज़ेदार इंसान हैं. सब एक्टर्स को उन्होंने इतनी आज़ादी देते हैं कि वो एक्सपेरिमेंट करें, अपने हिसाब से सीन करें. और कई बार तो वो कट बोलते ही नहीं थे, तो सीन ख़त्म होने के बाद भी हम कुछ कुछ मस्ती करते जा रहे हैं और वो कई बार उठ के चले जाते थे कि हाँ हम करते रहो.
I think the audience is going to get really high on the entertainment quotient. That was the intention of making a stoner comedy, so I hope that they have a good time. Nervousness. Will it ever come out? But it did. So I'm very, very glad, and it's gotten a UA certificate. So I'm very, very thankful to the censors. They saw the film and they saw it for what it is, and they thought that it's an entertaining film, and they said ki mazedar picture hai, dikhao sabko, maza aayega sabko. Sab aa gaye hain. Yes, yes, yes. The response to Vire is exceptional. It's beyond what we thought. The songs were always good. I mean, we were very, very confident about the songs because we danced even when they stopped rolling. So, and yeah, I mean, I took some really serious dancing lessons because I was dancing with some legends. So yeah, I'm very excited. My personal favorite is that Bhangra number that is happening. There is one another song called Puppy Lelu. It's a crazy song. And I love Tarifa. It's playing in my car every day. तो क्लैश कहाँ होगा वो तो अच्छा है हेल्दी कंपटीशन बचपन से चलता है भाई बहन में एंड अगेन दीज आर टू वेरी डिफरेंट फिल्म्स यू नो सो देयर वर डिफरेंट ऑडियंस भावेश जोशी बीइंग अ वेरी थ्रिलर एंटरटेनमेंट काइंड ऑफ फिल्म वीरे इज अ मोर सेलिब्रेशन काइंड ऑफ फिल्म सो आई थिंक द ऑडियंस विल गेट अ वैरायटी ऑन दैट डे सो आई होप दे डू बोथ डू वेल एंड आई विश हर्षवर्धन ऑल्सो ऑल द बेस्ट आई होप ही डज वेल No, not at all. He didn't come on the sets. And I'm glad he didn't because it's very chaotic on the sets. It's not meant for kids. But it was lovely shooting with her. She's a thorough professional. She's an absolute superstar. And on the sets, you know, she's so present. She's very well prepared for everything. So it was indeed a pleasure. No, because I had shot for Hijack before, na? So I was still high. All right, thank you. Thank you so much. With Sumit at all because we've both been on the internet. People think that we've worked together, but we haven't. Sumit and I have been part of the same web series, but we've never interacted. Anyway, I'm very excited to be here because Akash Khurana is debuting as a director, and he's directed me on Karma, and also is a very, very dear friend. And a lot of the cast members and the crew members are now friends. Sarang Sathe, who's a very, very dear friend, is also debuting in the film, so I'm very, very excited for all of them. I'm very excited to be here, and I can't wait to watch it. Have you thought to hijack something? No, never. And if given a chance, then I wouldn't. I'm too much of a fattu to do this. And
tell us something about Karma. Karma is going to release on the 10th of August. We are all very excited about it. The poster is just out, and that's all that we can say. Whatever the poster says is what we can say about the film, which is three lost souls, two dead bodies, and one journey. So that's all that I can reveal right now. हम सिर्फ जाके कारवा के बारे में बात कर रहे हैं कहीं भी जाके I'm just going to send him a lot of prayers on my end and from all of us. And the prayers and the hope is that he gets better soon. It was really, really amazing. I always say this, that Irfan sir has taught me a very, very important lesson as an actor. I have learned how to be present as an actor because of him. And I think it's a great learning. Thank you very much. Thank you. Ma'am, hold on. Yahan pe dekho. Greenhouse kya hai? Ha, yahan pe. Chalo, Sumit ji. Ek minute. Hold on.